माधवापुर प्रखंड के केरवा स्थित राजदेवी मंदिर परिसर में नवाब महायज को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो रामेश्वर दास एवं नवल किशोर मंडल की अध्यक्षता में केरवा गांव से चलकर भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित जमुनी नदी से पवित्र जल भरकर अग्रहर घाट जिला टोल खिरोदनी मुसारी टोल होते हुए केरवा राजदेवी मंदिर परिसर पहुंचकर पंडित विनोद झा के द्वारा मंत्रोच्चारण कर कलश को निष्ठापूर्वक स्थापित कराया गया। जानकारी देते हुए आयोजक समिति के सदस्यों ने कहा कि गांव में सुख शांति और समृद्धि को लेकर यह नवाह महायज्ञ का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस दौरान हवन, राम नाम धुन, भंडारा समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। वहीं कलश यात्रा में भाग ले रही कुमारी कन्याओं ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन में भाग लेने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मौके पर मुखिया प्रदीप कुमार यादव, सरपंच डॉक्टर नंदकिशोर यादव, राजन कुमार, रजनीश कुमार, प्रभात रंजन, छोटू यादव, संतोष सिंह, राजीव कुमार, दुखनंद मंडल, श्याम यादव, बासुकी सदाय, शिव दुलार सदाय, बिजली यादव समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। आप लोग कलश यात्रा में भाग लिए हैं जी? क्यों लिए हैं, क्या कारण है? क्योंकि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा से घुमाया फिराया है, अथी पानी उनी सब सब चीज की व्यवस्था सारा कुछ था। ये बताइए, कुमारी कन्या क्यों भाग लेती है कलश यात्रा में, क्या फायदा होता है? क्योंकि पुण्य के काम होता है, इसलिए भाग लेते हैं। इसलिए भाग लेते हैं। नवाह यज्ञ हो रहा है यहाँ पर, हाँ। क्या कुछ कार्यक्रम है पूरे नवाह के दौरान? पूरे नवाह का कार्यक्रम है, हवन भी है और 11 दिन की सीता राम नाम है, हाँ। और भंडारा भी आयोजन किया गया है। अच्छा, नवाह यज्ञ क्यों कराया जाता है? एक अवधारणा भी होती है, बहुत जगह देखते हैं कि लोग नवाह यज्ञ कराते हैं, इससे क्या लाभ मिलता है लोगों को? इसमें धर्म बनते हैं, सुख शांति की कामना होती है। शांति के लिए बहुत लाभ है। आज कलश यात्रा निकाली गई है जी। कितने कुमारी कन्या भाग लिए इसमें? 80 और कहाँ से, किस तरह से यहाँ से निकला है, फिर कहाँ जलबोझी हुई है? जल जैसे अखरहर घाट पर बोझी गई है, भारत नेपाल बॉर्डर जो नदी है वहाँ पर, केरवा से जाकर। अच्छा, फिर वहाँ से आए हैं, फिर जैसे स्थान पर आज देवी स्थान पर आए, हाँ, और यहाँ पर स्थापना किया गया है। स्थापना किया गया है। श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? यहाँ करके पुण्य का भागी बने और उसमें भाग ले, भाग ले। छोटू जी, लोगों का, ग्रामीणों का कितना सहयोग मिल रहा है यहाँ? ग्रामीण पूरे यहाँ किरबा के जो भी है, अगल बगल पंसलवा गंगौर जहाँ तक के ग्रामीण है, सारा का सहयोग है इसमें। एकदम धूमो धाम से नवाह यहाँ किया गया है। आप लोग आइए, इसमें सादर आमंत्रित है। अगल बगल पड़ोसी गांव के जो भी व्यक्ति, आसपास के जो भी लोग हैं, आप सभी से आग्रह कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि यहाँ आइए, राम नाम धुन हो रहा है, उसमें आप अपना हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए, राम नाम धुन कीजिए। कौन सी जगह पे है ये? केरवा राजदेवी माता मंदिर। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।